ये तस्वीरें मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के वक्त की हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है कि मुख्तार का बेटा उमर अंसारी उसकी कब्र के सामने बैठा हुआ है। दूसरों को हड़का देने की कुव्वत रखने वाला गैंगस्टर मुख्तार का बेटा उमर अंसारी एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा है। पिता मुख्तार की जान चले जाने के बाद उमर ने पहले तो अपने पिता के जनाजे को कंधा दिया, उसके मूछों पर ताव दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। लेकिन जब मुख्तार कब्र में चला गया, सुपुर्दे खाक हो गया, तब मुख्तार का बेटा उमर अंसारी फूट फूट कर रोता दिखा। अब ये बताने की शायद जरूरत नहीं, उमर अंसारी के सब्र का बांध क्यों टूटा और वो क्यों रोया। एक पिता के जाने के बाद हर बेटे को दुख पहुंचना लाजमी है, लेकिन उमर के रोने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। वजह ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि मुख्तार की जान जाने के ठीक पहले दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। उमर ने मुख्तार से आखिरी बातचीत में कहा था कि मैं और भाभी आपसे मिलने जरूर आएंगे। उसने कहा था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपके साथ हज और उमराह भी करने जाएंगे, जिसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन 28 मार्च को जेल में ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में उसे जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान चली गई। जिसके बाद 29 मार्च को मुख्तार का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार को रात में ही गाजीपुर लाया गया। उसी वक्त ये तय हो गया था कि उसे 30 मार्च को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तय शेड्यूल के मुताबिक जब मुख्तार सुपुर्दे खाक किया गया, तब उसकी कब्र के सामने बैठकर उसके बेटे उमर अंसारी को फूट फूट कर रोते हुए देखा गया। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी की जेल में जान चले जाने के बाद आज उसे कालीबाग के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने केवल पारिवारिक लोगों को ही कब्र तक जाने दिया था। हालांकि कब्रिस्तान के बाहर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई थी। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के दिन पूरे दिन माहौल गर्म रहा। इस दौरान मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर डीएम के बीच बहस भी हुई थी, जो कि भारी भीड़ की वजह से माहौल बिगड़ने के डर से हुई थी। हालांकि जब सब कुछ शांत तरीके से निपट गया, तो अफजाल अंसारी ने भी मीडिया में बयान जारी किया कि सब कुछ शांति से हो गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।